आज का दिन हिस्टोरिकल दिन है बहुत, क्योंकि आज फलस्तीन के अंदर कुछ ऐसा देखने को मिला है जो कि आज से पहले कभी देखने को नहीं मिला। हमास जो कि गजा बेस्ड एक ग्रुप है और फलस्तीन की आज़ादी के हवाले से जो सबसे बड़े ग्रुप्स हैं उनमें से एक है, हमास ने आज अचानक सडनली एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया इसराइल के ऊपर। अब इस ऑपरेशन की ख़ास बात ये थी कि पहले होता है ना कि ये गजा के अंदर से ही लड़ रहे होते हैं इसराइल से, लेकिन इस ऑपरेशन में पहली बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने गजा को जिस तरीके से इजरायली फोर्सेस ने फेंसिंग लगा के बंद किया हुआ था, उस फेंसिंग के बड़े हिस्से को तोड़ के बॉर्डर का कंट्रोल संभाल लिया, यानी इजरायली फोर्सेस को पीछे धकेल के। और सिर्फ बात यहीं तक महदूद नहीं हुई, ये सदरन इसराइल में घुस गए, ये इसराइल के कई सारे शहरों के अंदर घुस गए और घुस के उन्होंने कंट्रोल कर लिया मुकम्मल वहाँ पे। और लड़ाई इस वक्त भी वहाँ पर जारी है, इसराइली फोर्सेस अपने उन शहरों को लिबरेट कराने की कोशिश कर रही हैं लेकिन उनको कामयाबी हासिल नहीं हो रही। अनप्रेसिडेंटेड किस्म का ये ऑपरेशन था, उन्होंने ना सिर्फ ये के शहरों पे कब्जा किया है बल्कि टॉप जो इजरायली मिलिट्री के लोग हैं उनको भी पकड़ के ले गए हैं, इंक्लूडिंग उनका जो कमांडर है निमरूद अलोनी उसको भी पकड़ा हुआ है। अब निमरूद अलोनी जो है हार्डलाइनर कमांडर के तौर पर मशहूर है, इसका पकड़े जाना हमास की ज़बरदस्त इंटेलिजेंस को जाहिर कर रहा है, क्योंकि ये कहां पर था, किस तरह उसको पकड़ा होगा, ये एक हाई लेवल की इंटेलिजेंस होगी। अच्छा, मूसाद, शेनबेत और शबा, कमान, जितनी भी इजरायली एजेंसियां हैं टोटल धपड़दूस हुई हैं, आज फ्लॉप हो गई हैं, फेल्यूर, सबसे बड़ा फेल्यूर है उनका इंटेलिजेंस का फेल्यूर, क्योंकि इनको पता ही नहीं चला कि क्या होने जा रहा है। कल रात तक भी इनको पता नहीं था, कल रात भी इन्होंने एक एरिया में जाकर फलस्तीनी को शहीद किया, इनको कल तक नहीं पता था कि ये होने वाला है हमारे साथ, और आज इतने लार्ज स्केल ऑपरेशन उन्होंने शुरू कर दिया है। अच्छा, नई चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली हैं, एक तो उन्होंने जो इन्फिल्ट्रेशन का तरीका था इसराइल के अंदर घुसने का वो नया था, वो मतलब हमास से इससे पहले हमें देखने को नहीं मिला। और दूसरी बात ये कि हमास ने इजरायली टैंकों को तबाह करने के लिए ड्रोन से चलने वाले मिसाइल यूज़ किए हैं, यानी ड्रोन जिनके अंदर मिसाइल डले हुए थे, अपेरेंटली वो लोकली मेड लग रहे हैं, वो किसी इस तरह नहीं लग रहा कि उनकी कोई डिज़ाइन जो है वो कोई बाहर की जो ड्रोन होते उससे मुमासलत नहीं रखती, ये अपेरेंटली लग रहे थे कि लोकली मेड है। ड्रोन से मिसाइल निकल रहा है और उनकी टैंकों के ऊपर गिर रहा है, मुतअद्दद टैंक्स जो हैं वो इन्होंने कब्जे में भी लिए हुए हैं जो कि इजरायली फोर्सेस छोड़ के भाग गए हैं। असल में हुआ ये कि जब इन्होंने अंदर घुसना शुरू किया ना इसराइल के मुख्तलिफ शहरों के, वरना वैसे तो फाइट गजा के अंदर रहती थी लेकिन इस बार फाइट इसराइल के अंदर उनकी कंट्रोल टेरिटरी के अंदर हो रही है, तो जब इन्होंने रिटालिएशन में गजा में घुसने की कोशिश की तो एक ट्रैप हमास ने बिछाया हुआ था, उनको पता था कि अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, तो उनके मुतअद्दद टैंकों के ऊपर इस तरह के ड्रोन्स ने हमला किया। ये भी अनप्रेसिडेंटेड था, पहले हमास ने ये कैपेबिलिटीज़ नहीं दिखाई, इस बार उन्होंने दिखाई है। बहुत सारे टैंक्स उनके तबाह हुए और बहुत सारे टैंकों के ऊपर हमास ने कब्जा भी कर लिया। अच्छा, आलमी बरादरी अगर आप देखें तो यूरोप के अंदर हस्ब आदत वो वन साइडेड रहे हमेशा से लेके, उन्होंने हमास की मुखालफत की और इसराइल की हमायत की। अब इससे फ्रॉडिये किस्म का जो इनका बिहेवियर है ना कि हमेशा से वो एक साइड को सपोर्ट करते हैं और जब इसराइल एक्सट्रीमिज्म दिखाता है तो ये उसको सपोर्ट नहीं करते, इसी वजह से चाइना उभरा है वहाँ पर। वहाँ लोकल पॉपुलेशन में अगर चाइना की गुडविल बढ़ रही है वो इस वजह से बढ़ रही है कि चाइनीज़ जो हैं दोनों साइड्स को देखते हैं। हाल ही में चाइना ने स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप साइन की है फ़लस्तीन के साथ, तो चाइनीज़ की नज़र में फ़लस्तीनी एक बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, वो उनके लिए सपोर्ट का इजहार करते रहते हैं। जबकि वेस्ट वालों का तरीके वारदात देखें तो फ्रॉड नज़र आता है उसके अंदर, वो फ़लस्तीनियों के रेजिस्टेंस को तो दहशतगर्दी कह रहे होते हैं लेकिन इजरायली जो दहशतगर्दी होती है उसको कंडेम नहीं करते, वो कहते हैं इसराइल हैज़ द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, यानी वहाँ पर राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, और अगर दूसरी पार्टी खुद को बचाने के लिए इस तरह करती है अपनी ज़मीन लिबरेट कराने के लिए उसको वो दहशतगर्दी कहते हैं। तो दोहरा हमें मयार नज़र आया। मोदी साहब, अजब बात देखें, मोदी ने इसराइल को सपोर्ट किया, अब अगर मोदी की जगह पर कोई और गवर्नमेंट होती तो शायद वो इस तरह के बयान ना देते, लेकिन मोदी ने ट्वीट पर ठोक दिया क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, तो जो फलस्तीनी ग्रुप्स हैं वो मोदी के ट्वीट पर कह रहे हैं कि मोदी खुद फासिस्ट है, तो एक फासिस्ट ने दूसरे फासिस्ट को सपोर्ट किया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन बहरहाल उन्होंने हमास के मुजाहिदीन को कंडेम किया है। मीनवाइल वो जो फलस्तीनियों की हुकूमत है वेस्ट बैंक के अंदर महमूद अब्बास वाले, उन्होंने भी कहा है कि सेल्फ डिफेंस हमारा राइट है और हमारा हक है कि हम रेजिस्टेंस करें अपने इलाके को छुड़ाने के लिए, और ईरान ने खुल के सपोर्ट की है।
ईरान ने कहा, उनका जो यहया सफवी है, पासदारा ने इनकलाब इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स जो कि उनकी फ़ौज का सबसे बड़ा हिस्सा है और डायरेक्टली सुप्रीम कमांडर के अंडर में आता है, तो उनके कमांडर हैं यहया सफवी। यहया सफवी ने कहा है कि हमारी मुकम्मल हमायत इनके साथ। और हिजबुल्ला वालों ने भी बड़ी तारीफ़ की है, हिजबुल्ला वालों ने कहा है कि हम मुसलसल कॉन्टेक्ट में डायरेक्टली इनके साथ और बड़ा अच्छा हमास ने काम किया है। और हो सकता है कि अगर इसराइल ने रिटालिएशन में रेड लाइन क्रॉस की गजा के अंदर तो शायद हिजबुल्ला वाला जो फ्रंट है लुबनान का वो भी खुल जाए यहाँ पे, दिस इज़ आल्सो क्वाइट पॉसिबल। लेकिन इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो मुकम्मल तौर पर इसराइल का तारीखी फेल्यूर है, उनकी इंटेलिजेंस आज फैल गई है, उनको पता नहीं चला कि एक अटैक आ रहा है और अटैक भी ऐसा अटैक आया जो कि शायद उन्होंने अपनी हिस्ट्री में पहले कभी नहीं देखा। ये फर्स्ट टाइम गालिबन हो रहा है कि वो अपने शहरों के अंदर जंगें लड़ रहे हैं। इस बार जो जंग हुई है वो हो रही है इजरायली कंट्रोल टेरिटरीज के अंदर। अच्छा, आखिर में आपको ये भी बता दूं कि सैयद अली खामनाई जो हैं ईरान के सुप्रीम लीडर, उन्होंने मुबारकबाद दी है, उन्होंने कंग्रेचुलेशंस कहा है हमास वालों को कि ये बहुत सालों के बाद एक बड़ी तगड़े किस्म की रेजिस्टेंस हमें नज़र आई है वहाँ पर। और इसके वजह से जो स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेस हैं, मुझे लगता है कि वो जो नॉर्मलाइजेशन की बातें चल रही थी ना, नॉर्मलाइजेशन होगी, वो प्लान मुझे लगता है धपड़दूस हो गया बाइडेन सरकार का। और अब इस वाक्य के बाद मेरे ख्याल से वो जो नॉर्मलाइजेशन वाला प्लान चल रहा था वो कहीं बैकग्राउंड में चला जाएगा। और ये अभी डेवलपिंग स्टोरी है, इस पर मज़ीद मैं बात करूँगा, हो सकता है आज भी करूँ मज़ीद बात जैसे ही कोई नई डेवलपमेंट आती है यहाँ से, और हो सकता है कल करूँ। लेकिन आज बड़ी एक तारीखी कार्रवाई हमास ने की है। मैं देख रहा था इस्माइल हानिया का वीडियो सरफेस हो रहा है वहाँ पर हमास वालों ने जारी किया, जिसमें वो सजदाए शुक्र अदा कर रहे हैं इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद। और नाबुलस समेत मुख्तलिफ जो फलस्तीनी शहर हैं उसके अंदर खुशी से इस वक्त जो है वो लोग सड़कों पर निकल आएँ और वहाँ पर जश्न का सा माहौल है। मीनवाइल गजा के पास की जितनी भी यहूदी बस्तियाँ थीं वो खाली हो चुकी हैं और उनके अंदर हमास के जो लोग हैं वो फिर रहे हैं, वो खाली हो चुकी हैं, उधर से निकल गए वहाँ से। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है इसराइल के लिए और उनकी मिलिट्री आज मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हुई है।